उल्लू आओ आओ आ जाओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। क्या कारोबार कर कर आए हो तुम? आ गया मैं, धक्के खा के आ गया हूँ मैं। मेरे लिए तो कुछ सोचा ही नहीं ना तुमने। क्या सोचा मेरे लिए? क्या सोचा तुमने मेरे लिए? कुछ भी नहीं सोचा। मोटरसाइकिल का कबाड़ा किलो के हिसाब से लेते थे और 500-500, 600-600, 700-700 रुपए किलो बिकता था वो। कितना हमें फायदा था, उस पर भी पाबंदी लग गई। हर चीज पर तो पाबंदी लगी जा रही है अब्बा। क्या कारोबार होगा? कुछ नहीं होगा। क्या करा है तुमने? दिन ब दिन कारोबार पीछे जा रहा है, दिन ब दिन कारोबार पीछे। अब्बा मुझे कोई आधा किलो भूसी टुकड़े नहीं दे रहा इस टाइम पर। ऐसे मेरा कारोबार बैंड हुआ है मेरा। क्या जब मैं किसी से बोला तो सारा शहर ये कह रहा कि सबका ही कारोबार बंद लगा पा रहा। समझ में नहीं। सिर्फ खाने पीने के काम चल रहे हैं, होटलों पे रश है। वो भी इसलिए कि घर में पका रहे हैं तो महंगा पड़ रहा है, तो वो होटलों पे जाके खा रहे बेचारे। लोग समझ रहे कि हालात अच्छे हैं। वे भाई घर में महंगा पड़ रहा है, 1200 रुपए किलो गोश है अब्बा, और 2000 रुपए छोटे का गोश है, और मुर्गी 700 रुपए। तो वो बाजार में जाके सब मिलके एक साथ एक प्लेट में, घर में तो एक जगह पे नहीं खा रहे वो, वहां एक कढ़ाई बनवा के सब खा रहे हैं। बरकत भी पड़ रही है और सब खा लेते हैं। अब्बा कारोबार नहीं है कुछ भी। लेकिन चिंची के अंदर जो है ना खरीदने के लिए जाते थे, चिंची बेच दी तुमने, घाटा घाटा घाटा। उसके बाद ठेले पे चलने लगे तुम, और आज तुम ठेला लेके चल गए, ठेला भी छोड़ के ठेले पे आ गए। सच्चा अब्बा है अब्बा। ना बस उनके मालूम है सब। और लोग भी कारोबार कर रहे हैं, देखो दूसरों के बच्चे कहाँ के कहाँ पहुंच गए। कल्लू कबाड़ी के बच्चे देखो कहाँ पहुंच गए। और हमें हमारा एक तू इकलौता, तेरे पे कितनी मेहनत मैंने की है, तुझे कितना कारोबार मैंने सिखाया, मगर तू मजीद पीछे जाए जा रहा। कुछ भी नहीं होगा जब तक तू मेरी शादी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा। कब करेगा मेरी शादी? बूढ़ा हो जाऊंगा जब करेगा क्या मेरी शादी तू? मैंने कितनी दफा कहा कि पिन्नों के घर चले जाओ तुम, वो तैयार है शादी के लिए। उसने मुझसे कहा कि अपने अब्बू को भेज दे, अपने अब्बू को भेज दे। मैंने सारी तैयारी कर रखी है, अपने घर वालों को एग्री कर रखा है वो। अब्बा मैं तुम्हें कैसे बताऊं अब्बा, मेरे से काम नहीं होता अब्बे से। ये मैंने काम नहीं हो रहा मुझसे काम, नहीं हो रहा काम, नहीं मिल रहा कबाड़ा कहीं भी। बस सही अब्बा, मैं कुछ नहीं, हमें ये शादी करा दे बस। कब कराएगा तू शादी? करा बस, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। पिन्नो मेरी जिंदगी में आएगी, नसीब लेकर आएगी वो अपने। मेरे बच्चे होंगे, मेरे खुशहाली आएगी, मेरे कारोबार में। तुमने बर्बाद कर दिया मुझे, कहाँ खिलाए तुमने सारे पैसे? मुझे सब पता है, इसी लड़की को तुमने पूरी चिंची गाड़ी ठेला सब कुछ कारोबार खिला दिया। कल्लू के बच्चे देखो कहाँ पहुंच गए। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं सब जानता हूँ। मेरी बात सुनो, अपन घर में दो अफराद हैं, कोई लेडीज नहीं है, खाना बनाने वाला कोई नहीं है। अब्बा तरस खा अपने ऊपर भी, मेरे ऊपर भी। एक बहू लिया, एक बहू आ जाएगी घर में, तीन अफराद हो जाएंगे, फिर अल्लाह पोता पोती भी दे देगा तेरे को, घर हमारा भर जाएगा। हम दो बाप बेटे एक दूसरे की शक्ल देख देख के एक दूसरे को बुरे लगने लगे। अब्बा मुझे तो तू जहर लगता है, अल्लाह की कसम जहर लगता है। जब तक तू मेरी शादी नहीं करेगा तो मुझे जहर लगता है, जहर अब्बा। कभी कभी मेरा दिल करता है कि जुमा बाजार में देखे दूसरा अब्बा ले लूं मैं, इतना गंदा अब्बा लगता है तुम। बेटे तुम भी मुझे बहुत बुरे लगते हो। मेरा दिल करता है मैं तुम्हारा तुम्हें किसी को देकर और बर्तन ले लूं। मैं जो छह कप भी कोई तुम्हारे लिए दे दे, कर ले शादी, कर मेरी शादी करा दे खुदा के वास्ते। पुन्नो तैयार है वो, इससे पहले के बदल जा कोई और उसका रिश्ता। चला जा खुदा के लिए, चला जा। बात तो तुम सही कर रहे हो परवीन की। अच्छा वो तो अरे की लड़की है। अच्छा। हाँ चलो मैं जाता हूँ बेटा। बात तो तुम सही कर रहे हो कि हम घर में एक लेडीज का होना बहुत जरूरी है, घर सुना सुना लगता है। तू मेरी शादी नहीं करेगा कुछ भी नहीं होगा।
बकवास मत करो बाबा, बस तुमने कह दिया ना, मैं जाता हूँ, बस अब तुम अपने मेहनत दिखा। जाता हूँ, मैं जाता हूँ उसके घर, जाता हूँ, करता हूँ कोई ना कोई मामला, अल्लाह खैर करेगा, बस अब मुझे काम करके दिखाओ तुम। अरे टिन्नू का फोन। हेलो टिन्नू। हाँ टिन्नू बोल, क्या बात है? टिन्नू देखो, कितना मैंने तुम्हें बैलेंस डलवाया, कितना मैंने तुम्हारे लिए खर्चा किया, कितना मैंने धक्के खाए, मैंने अब्बा के पैसे चुरा चुरा। अब्बा बहुत पैसे वाले हैं? हाँ, ये अब्बा के पैसे तो थे जिसकी मैंने तुम्हें इतनी शॉपिंग में कराई। अच्छा, तुम अपने अब्बू के पैसे भेजते थे? हमारे अब्बू वाकई इतने पैसे वाले हैं क्या? अल्लाह, ऐसा करो तुम जो है ना, अब्बा आ रहे हैं, तुम अपने घर वालों को रेडी रखो और शादी की तैयारी करो। मैंने अब्बा को तैयार कर लिया शादी के लिए। हाँ तुम जल्दी जल्दी तैयारी पकड़ो, बस तुम जितनी जल्दी हो सके। मेरे अब्बा तैयार हो गए, बस अब तुम मेरी जिंदगी में आ जाओगे। चलो सही है, तुमने अपने अब्बू को तैयार तो कर लिया ना? हाँ हाँ भेज दो, मैं भी तैयार हूँ। बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, मुझे बस उस दिन का इंतजार है जब तुम मेरी जिंदगी में आ जाओगी। हाँ कब आ रहे हैं तुम्हारे अब्बू? मेरी जिंदगी में आ जाओगे पिन्नो, मैं तुम्हें पिन्नो कह के पुकारूंगा, तुम मेरे बच्चों को खिलाओगी। जल्दी मेरी जिंदगी में आ जाओगे, जल्दी भेजो अपने अब्बू को। अब्बा, तू मेरा सच्चा अब्बा है। अब्बा तूने मेरे पे कितनी बड़ी मेहरबानी करी, तू पिन्नो को ले आया। अब्बा अब्बा तूने पिन्नो को ले आया मेरे खातिर। अब्बा मेरी पिन्नो से बात करने की तहसीब नहीं, से बात करने की तहसीब नहीं। एक और चमाटा इसके मारो ताकि इसको अकल आ जाए कि माँ से किस तरह बात करते। नहीं अब्बा, नहीं हो सकता ये, नहीं हो सकता अब्बा। अब्बा कह दो ये झूठ है अब्बा, पिल्लो से बात करने की तहसीब नहीं। अब्बा मैं अपनी शादी करने गया था, हमारी शादी की उम्र, अब्बा तू हमारी मेरी पिन्नो को खुद ब्याह के लिया। पिन्नो अपने पर काबू करो, अपनी माँ से तहजीब से बात करो। पिन्नो आपने इसे माँ से बात करने की तहजीब नहीं सिखाई, किस तरह के हो शकूर साहब तुम। तुमने इसे तहजीब तो सिखानी चाहिए थी कि एक माँ से किस तरह बात करते हैं। अफसोस की बात है टिल्लू, अपनी माँ से अदब से बात करो। ये तुम्हारी माँ है, तुम्हें मैंने सिखाया नहीं कि माँ से किस तरह बात करते हैं। मुझे जलील करा रहे हो अपनी अम्मी के आगे। इस घर में रहना है तो रहो, वरना निकल जाओ इस घर से। ये तुम्हारी माँ है, आज से तुम इसे माँ जैसी मोहब्बत दोगे टिल्लू। सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।